फाइनली गाइस मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो, हाउ टू ज्वाइन यूट्यूबर गिल्ड इन फ्री फायर, यानी आप लोग यूट्यूबर गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग यमराज गेमिंग गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हो एंड इस गिल्ड में क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ गाइस उससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बंदे मेरे से बात करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का आईडी दे रखा है एंड उसका लिंक भी दे रखा है, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके यहाँ पे मैसेज कर सकते हो यानी डीएम कर सकते हो। एंड जो भी बंदा अगर मैं रिप्लाई नहीं करता तो वो लोग मेरे को सिंपल से यहाँ पे टैग मार के यहाँ पे मेंशन कर देना, मैं हर एक बंदा का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए गाइस हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते एंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइस अगर आप लोग इस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो यानी यमराज गेमिंग गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपका जो फ्री फायर का आईडी है उस पे लेवल आप लोगों का 70 प्लस होना चाहिए, तब आप लोग यमराज गेमिंग गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो या यमराज गेमिंग गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए कहीं पे भी आप लोग टेस्ट दे सकते हो। हाँ गाइस आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, अगर आप लोग इस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग का लेवल कम से कम भी तो 70 होना चाहिए। एंड उसी के साथ हम लोग बात करते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट आप लोग का क्या कुछ होने वाला है, तो आप लोग अगर जानना है रिक्वायरमेंट आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। साथ ही साथ आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताओ कि आप लोग का फ्री फायर के आईडी पे अभी लेवल कितना हो रहा है एंड आप लोग का फ्री फायर के आईडी पे अभी लाइक कितना है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। तो चलिएगा हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते एंड हम लोग बात करते हैं सेकेंड रिक्वायरमेंट की। तो गाइस यमराज गेमिंग गिल्ड को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका जो सेकेंड रिक्वायरमेंट होने वाला है वो आप लोग आईडी पे डिपेंड करता है, यानी आप लोग का जो यहाँ पे फुल मैप होता है उसका आप लोग का केडी एंड हेडशॉट रन रेट कितना है। अगर आप लोग का 5 का केडी है एंड आप लोग का हेडशॉट रन रेट 30 प्लस से प्लस है, यानी आप लोग का 30 प्लस आप लोग का हेडशॉट रन रेट है, तब आप लोग इस गिल्ड को कहीं पे भी जाकर टेस्ट दे सकते हो यहाँ पे ऐड होने के लिए। अगर आप लोग के पास इतना नहीं है गाइस तो अपने आईडी को सुधार करके 5 का केडी एंड 30 का हेडशॉट रन रेट कर लेना। तो चलिए गाइस हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं एंड हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे तीसरा रिक्वायरमेंट की ओर कि तीसरा रिक्वायरमेंट क्या कुछ होने वाला है इस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। बट उससे पहले मैं आप लोग को इस गिल्ड में दिखा देता हूँ कुछ मेंबर की कितने मेंबर है इस गिल्ड में एंड कितने बंदे का भी सीट खाली है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं आ गया हूँ यमराज गेमिंग गिल्ड के अंदर एंड अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे 42 बंदा इस गिल्ड में है एंड उसी के साथ हम लोग का आरपीवाई इस गिल्ड का ऑफिसर है एंड जो कि यहाँ पे टेस्ट एंड यहाँ पे जो भी यहाँ पे मतलब मेंटेनेंस होता है गिल्ड के अंदर वो ये करते हैं। साथ ही साथ गाइस मैं आप लोग को बता दूं इस गिल्ड में अभी मतलब 8 बंदे का सीट खाली है। अगर आप लोग के आईडी पे इतना कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो आप लोग इस गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप लोग को दो और रिक्वायरमेंट बताने वाला जो कि इस गिल्ड में आने के लिए अनिवार्य है। साथ ही साथ गाइस अभी आप लोग पे देख सकते हो काफी ज्यादा यहाँ पे बंदे मतलब इस गिल्ड में मतलब भरे हुए हैं एंड यहाँ पे 8 ही बंदा का सीट खाली है, तो आप लोग इस गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए अपना रिक्वायरमेंट फटाफट यहाँ पे कंप्लीट कर लो अपने आईडी पे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यमराज गेमिंग गिल्ड का भाई यहाँ पे मतलब बहुत ही प्रो प्रो बंदे हैं यमराज गेमिंग गिल्ड के मतलब अंदर एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनका एक आईडी बैन हो गया था एंड यहाँ पे सेकंड आईडी में इन्होंने अपना वीबैच ले लिया है। तो चले गए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम लोग बात करते हैं तीसरा रिक्वायरमेंट इस गिल्ड का क्या है। तो गाइस इस गिल्ड का जो तीसरा रिक्वायरमेंट है गाइस आप लोगों को करना कुछ नहीं, गाइस आप लोगों को कस्टम मैच यहाँ पे किया जाएगा हमारे गिल्ड के बंदर से एंड आप लोगों को 1v2 करना पड़ेगा एंड आप लोगों को कंपलसरी गाइस आप लोगों को 3 से 4 राउंड निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग 3 से 4 राउंड निकाल लोगे तो आप लोग को यहाँ पे आसानी से इस गिल्ड में ज्वाइन कर लिया जाएगा। एंड उससे पहले मैं आप लोग को एक बात और बता देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे 3 से 4 राउंड निकाल लेते हो तो आप लोग का जो यहाँ पे रैंक यानी मतलब आप लोग को पता है वीआर रैंक और सीएस रैंक जो होता है उसमें कम से कम भी तो हीरोइक लगा रहना चाहिए, तभी आप लोग इस गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप लोग का जो चौथा रिक्वायरमेंट है गाइस मैं आप लोग को बता देता हूं जो कि हर एक यूट्यूबर गिल्ड में मायने रखता है, यानी आप लोग का नाम चेंज करना कंफर्म है। अगर आप लोग नाम चेंज नहीं करोगे तो आप लोग को 24 घंटा के बाद में आप लोग को निकाल दिया जाएगा एंड यानी आप लोग को गिल्ड से किक कर दिया जाएगा आप लोग के सारा रिक्वायरमेंट होने के बाद भी। तो गाइस अगर आप लोग को ये आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। साथ ही साथ गाइस आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बात जरूर से बताना कि आप लोग के फ्री फायर के आईडी पे अभी यहां पे लाइक एंड लेवल कितना है। तो चलिए गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।